नी आर्थराइटिस अगर किसी को है बहुत लेट स्टेजेस में, जब ग्रेड 2-3 से ऊपर चला जाता है, तो उसमें घुटना जो है कॉमन कंप्लेंट आती है कि घुटना पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाता, जिसको अक्सर डी शेप नी भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली जब पेशेंट सीधा करता है अपना नी, तो इतना सीधा कर पाता है, इससे ज्यादा। और चलने में भी सेम यही पोजिशन होती है, जिसकी वजह से कमर लर्च करना शुरू कर जाती है चलने में, बिल्कुल डकलिंग गेट या डकलिंग वॉक आ रही होती है। अब इसको सीधा करने के लिए हम 2-3 चीजों को यूज करेंगे, जिससे बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसकी कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, बेसिकली थाइस के जो पीछे के मसल्स होते हैं, जिसको हम हैमस्ट्रिंग ग्रुप कहते हैं, ये बहुत टाइट हो जाते हैं, और जो आगे जो थाई के मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स ग्रुप कहते हैं इसको हम, ये बहुत वीक हो जाते हैं। हमें इनको स्ट्रेंथ अप करना है, और जो बैक ऑफ थाई के मसल्स हैं इनको रिलीज करना होता है स्ट्रेचिंग के थ्रू, तब जाकर ये डी शेप नहीं बिल्कुल सीधा हो जाता है और सही हो जाता है। अच्छा, इसके लिए जो सबसे पहली टिप ये है कि आप अपने नी को बेंड करें दोनों हाथों से, पोस्टीरियर थाई से इसको होल्ड कर लें। बहुत पीछे जा सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जहां तक आप इसको होल्ड कर पाते हैं होल्ड कीजिए, और यहां से इसको पूरा ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए जितना उठ सकता है। इससे आपके हैमस्ट्रिंग्स के जो मसल्स हैं ये पूरे स्ट्रेच होके रिलीज हो जाएंगे। ये जितना भी हो सके, अगर किसी की हेल्प लेके कराना चाहे तो इनको स्ट्रेचिंग्स कराइए, ताकि ये बिल्कुल रिलीज हो जाए। जब ये रिलीज होने लगेंगे, आपका जो डी शेप नी है या जो जो नी आपका बिल्कुल स्टिफ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। पहली चीज तो हम ये करा रहे होते हैं, दूसरी चीज हम अपना नी सीधा करके रखें, ठीक है, और विदाउट एनी सपोर्ट, कुछ भी नहीं रखना, टॉवल वगैरह या पिलो वगैरह या कोई रोल, और आपने अपने घुटने को बेड पे दबाना है, ठीक, फिर छोड़े, फिर बेड पे दबाए इसको, फिर छोड़े, बेड पे दबाए। अक्सर कॉमन प्रैक्टिस ये है कि आपने इसके नीचे टॉवल रोल रख के इसको नीचे दबाना होता है, पर डी शेप नी के लिए हम इस टेक्निक को यूज नहीं करेंगे। फिर बेड पर हम इसको जितना हो सके तो हम अपने बैक ऑफ द नी को बेड से टच करने की कोशिश करेंगे, तो ये डी शेप नी या इसमें जो भी लर्च होता है या बेंड होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है।